गुड वर्क मिस्टर कृष्णन। थैंक यू सर। आपके कहने के मुताबिक मैंने सारे पॉइंट्स इस विल में लिख दिए हैं। एक बात मेरी समझ में नहीं आती सर, आपको विल बनवाने की जरूरत क्या है? मिस्टर कृष्णन, कुछ बातें वक्त से पहले तय कर लेनी चाहिए। मौत का क्या भरोसा, कब कहां किसे घेर ले? लेकिन डैडी, यहां तो ऐसा कोई भी नहीं है जो आपकी जायदाद पे दावेदारी करे। नहीं बेटा, मैं चाहता था कि मैं पूरे होश हवास में रहकर अपना फर्ज पूरा करूं। मैं ये नहीं चाहता कि मेरे बाद तुम्हें कोई तकलीफ हो। प्लीज डैडी, आप ऐसी बातें ना करें। मुझे नहीं चाहिए ऐसी दौलत जो आपके बगैर हो। ऐसी बात नहीं है पगली, ऐसी बात नहीं है। देख, मैंने जो भी सपने तेरे लिए देखे वो सब के सब गलत साबित हुए। इस नर्क में भी मैं नहीं तुझे देखूंगा। फिर वही बात। अब सुन, डॉक्टर शर्मा ने तेरे केस पेपर्स लंदन भेजे थे, वहां से बहुत पॉजिटिव रिपोर्ट आई। उनका कहना है कि एक महीने की ट्रीटमेंट के बाद तुझे लंदन जाना पड़ेगा। उन्हें पूरा यकीन है कि तू फिर से चल सकेगी। देख बेटा, मैंने ये सब कुछ तुझसे पूछे बगैर इसलिए किया कि तू इंतजाम नहीं करेगी। मेरी इतनी सी इच्छा पूरी नहीं करेगी। नेहा बेटी, ये बड़े खुशी की बात है और अब तुम्हें अपने आप पर भी ध्यान देना चाहिए। चल बेटा, मैं भी तेरे साथ लंदन चलता हूँ। कुछ दिनों के लिए यहाँ की झंझटों से छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप चलने के लिए तैयार हैं तो मैं भी चलूंगी।